माइंड लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर नील भट्ट की। नील भट्ट की अगर बात करें तो इन दिनों वो स्टार प्लस के टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में नजर आ रहे हैं। इस सीरियल में वो विराट के किरदार में नजर आ रहे हैं और उनके साथ सई नजर आ रही है। इस सीरियल में नील भट्ट को फैंस बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और खास तौर पर अगर बात करें यहाँ पर विराट और उनकी पत्नी का जो रोल है उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और जो फैन फॉलोइंग यहाँ पर नील भट्ट की सोशल मीडिया पर है उसे देखकर साफ लग रहा है कि टीवी इंडस्ट्री में वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल एक्टर हैं। लेकिन नील भट्ट की अगर बात करें तो आज के सभी भी टीवी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल एक्टर्स में गिने जाने वाले नील भट्ट ने अपनी जिंदगी को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद उनके फैंस काफी ज्यादा भावुक हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान नील भट्ट ने बताया कि आज मैं कितना ज्यादा सक्सेसफुल हूँ ये हर कोई देख रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था। डिप्रेशन की वजह थी कि मुझे साल दो साल काम नहीं मिलता था जिसकी वजह से मुझे घर खाली बैठना पड़ता था। इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। अगर आप टीवी इंडस्ट्री से हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको 12 से 17 घंटे कंटिन्यू शूटिंग करनी पड़ती है। ऐसे में आपकी लाइफ, आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ कितनी ज्यादा हेक्टिक और बिजी हो जाती है। और अगर वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट आप घर पर खाली बैठे रहे 24 घंटे आपके पास करने के लिए कुछ काम ना हो तो आप कितना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन मैंने उस फेज को जिया है, महसूस किया है और कितनी तकलीफ और कितना डिप्रेशन उस वक्त में होता है इसका अंदाजा सिर्फ वही शख्स लगा सकता है जो अपने काम ना मिलने की वजह से उसे घर पर बैठना पड़ता है। लेकिन नील भट्ट ने कहा कि उस वक्त मेरे साथ मेरी पत्नी का काफी अच्छा साथ था जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। उनके साथ मेरा ऐसा रिश्ता था, उन्हें मुझ पर भरोसा था और वो हमेशा से मुझे यही कहती थी कि अपने आप पे भरोसा रखो। हालांकि यहाँ पर दोनों की मुलाकात अगर बात करें जो प्यार है वो काफी पहले से था, लेकिन शादी उन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल में आने के बाद ही की। हालांकि इस चीज की वजह से उनकी पत्नी जो कि पाकी का किरदार सीरियल में निभा रही है उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल सोशल मीडिया पे किया गया क्योंकि इस सीरियल में वो नेगेटिव रोल में नजर आई जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। वहीं नील भट्ट की अगर बात करें तो नील भट्ट अभी भी सीरियल में है और सीरियल हमेशा टीआरपी की टॉप 5 लिस्ट में रहता है। फैंस भी सीरियल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन नील भट्ट ने अपनी जिंदगी का जो ये किस्सा सुना है इसके बाद उनके फैंस एक बार फिर से भावुक हो गए हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर नील भट्ट की तारीफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बुरे वक्त में वो टूटे नहीं बल्कि उभरे और ज्यादा कामयाब होकर निकले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।